देश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जिससे जमीन में अधिक नमी बनी हुई है। इस समय गेहूं की बुआई हो रही है, तो खड़ी फसल में कई प्रकार के कीट पतंगों का आक्रमण देखने को मिल रहा है। एक विशेष प्रकार का कीट इस समय देखने में आ रहा है, जिसे जड़ माहू या रूट एफिड कहते हैं। इसकी पहचान की बात करें तो ये भूरे रंग के होते हैं। अगर हम गेहूँ के पौधे को उखाड़ कर देखें तो उनकी जड़ों में ये चलते हुए दिखाई देते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं, यह इनकी पहचान है, और भूरे दूसर कलर के होते हैं। इनके द्वारा नुकसान को देखें तो यह मुख्य रूप से जड़ों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर होकर पीले पड़ जाते हैं और पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए यदि अमिताभ के खेत में लगते तो इमिडाक्लोपिड 17.8% 60-70 ml प्रति एकड़ उपयोग किया जा सकता था। यह अगर थायमेथॉक्सोन 25% WDG लगाना हो तो 100 ग्राम प्रति